गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हमारे सोशल मीडिया पे, एंड वो है वेट स्टक के रीजंस, कॉजेज, सॉल्यूशन एंड अ डाइट। कौन सी डाइट जिसकी हेल्प से हमारा जो वेट इतना लंबे समय से स्टक है वो ब्रेक हो। नाउ इसके कॉजेज पे अगर हम बात करें, अगर आप लोग एक वेट लॉस जर्नी पे हो, आप कोई भी एक्स वाई जी डाइट कर रहे हो और वो डाइट आपका लंबे समय से चल रहा है और आपका बॉडी का वेट जो है वो एक सर्टेन टाइम से स्टक है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, या फिर आपका 3 से 4 वीक से वेट जो है वो बिल्कुल स्टक है, इसके रीजंस क्या है? पहला रीज़न, जो भी आपका डाइट चल रहा है उसके अंदर डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ मंचिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ हाथ पैर चल रहे हैं खाना खाने के लिए। अगर आपको ऐसा माइंड सेट चलता है कि मैंने 10 किलो निकाल लिया, 15 किलो निकाल लिया और ये जो वेट है ये बचा हुआ भी मैं निकाल लूंगी, बट ठीक है कुछ नहीं होता, 2 बिस्किट से मेरा कुछ नहीं होता, 3 बाइट चावल की लेने से मेरा कुछ नहीं होता, या घर पे कुछ बना है तो 1 कटोरी सब्जी खाने से मेरा कुछ नहीं होता, या कुछ भी मिठाई पड़ी है उसके ऊपर हाथ मारने से मेरा कुछ नहीं होता, सो ये काटा रॉन्ग। लास्ट का जो बॉडी वेट है, जो भी वेट स्टक है आपका, वो इसी सारी चीज़ों की वजह से है कि आप डाइट के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो ऐड कर रहे हो और आपकी क्रेविंग्स जो है वो एक बाइट के बाद और बढ़ती चली जा रही है। सो मेक श्योर कि अगर आप मंचिंग कर रहे हो सो उस पर काटा मार दो, उसको वहीं पे फुल स्टॉप कर दो और जस्ट फोकस ऑन योर डाइट एंड वेट लॉस का टारगेट। सेकेंड पॉइंट आता है आपकी बॉडी में मेजर डेफिशिएंसीज आना, फॉर एग्जांपल विटामिन D3, आयरन, आपका HB लेवल का लाइक ड्रॉप होना, या फिर आपका थायराइड लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना, या यूरिक एसिड हाई होना, आपकी बॉडी में पेन रहना। थर्ड रीज़न आता है वेट स्टक होने का कि आप डाइट प्रॉपर कर रहे हो, पानी प्रॉपर पी रहे हो, आपको स्ट्रेस भी नहीं है लेकिन आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है 8 आवर्स का और आपका वेट बिल्कुल स्टक है। आपकी बॉडी पूरे दिन लथार्जिक होती है, शक्ल पे स्वेलिंग आती है और आपको ऐसा लगता है कि आप शक्तिमान हैं और आप हर चीज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, तो नींद क्या चीज़ है, हम तो 4 घंटे में सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा मेरी सोच थी, या कह सकती हूँ ऐसी सोच मेरी बीच बीच में आ जाती है जब मेरे पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसी रीजंस की वजह से आपका वेट स्टक भी है और आपका वेट जो है वो ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, ऑन दी अदर हैंड आपका वेट जो है वो इंक्रीज भी होगा। सो अगर आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं है, ऊपर से आपने उसको लो कैलोरी डाइट पे डाल रखा है, ऊपर से आप उसको मनपसंद खाना भी नहीं दे रहे हो, रेस्ट भी नहीं दे रहे हो, इट मीन्स आपकी बॉडी के जो मजदूर हैं, जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको आप ओवरलोड वर्क करा रहे हो, तो वो सूज जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, इक्वल टू आपका वेट गेन या फिर वेट स्टक और पूरी बॉडी बलून की तरह फूलती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट रीज़न आता है कि कोई भी दवाइयाँ, मीन्स कि आपका अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है या आयरन की डेफिशिएंसी है, आप बिना उनकी डेफिशिएंसीज पूरी करने के बजाय आप एक मल्टीविटामिन जिसके अंदर बहुत सारे अदर विटामिन है वो भी ठोक के खाए जा रहे हो जिसकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी जो वेट है वो स्टक हो जाता है। नेक्स्ट, पानी का एक झटके में पीना और पानी सिप सिप करके ना पीना और एकदम लोड कर देना बॉडी को वाटर से कि पूरा दिन ध्यान नहीं था पानी पीना, अच्छा 6 बजे ध्यान आया, 6 बजे मैं 2 लीटर ख़त्म कर दूंगी या कर दूंगा, दिस इज़ लाइक टोटली रॉन्ग। अनदर एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस। जब भी आप ओवरथिंक करते हो, सोचते रहते हो, आपके माइंड में स्ट्रेस रहता है, आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा लेवल तक, सर्टेन लेवल तक इसको लेके चले जाते हो, आपका बॉडी जो है, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो रिस्पॉन्स करना जो है वो स्लो कर देते हैं, इतनी ज़्यादा नसों को फुला मारते हो कि बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है और इक्वल टू आता है वेट स्टक होना, एनजाइटी होना, पल्पिटेशन होना और बॉडी का बिल्कुल ही ना रिस्पॉन्स देने में कमी होना, इससे मेटाबॉलिक रेट भी है जो वो ड्रॉप डाउन होता है, स्लो होता है। सो अगर आप ओवरथिंकिंग का कीड़ा लेके बैठे हैं उसको भी आप काटा मार दो, बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो। अब बात करते हैं एक बिल्कुल सिंपल चीज़ के बारे में कि अगर आप ऐसे में से कोई भी चीज़ें नहीं कर रहे हो, स्टिल आपका वेट स्टक है और आप बहुत डेडिकेटेड हो कि नहीं जी मुझे तो वेट लॉस करना ही करना है, सो ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी ने जो आपका करंट वेट लॉस का डाइट है उसको बिल्कुल अडाप्ट कर लिया, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी बॉडी उसी सिचुएशन में खुश है कि हाँ इतनी कैलोरीज में भी खुश है, सो ये हमारे लिए एक कांटे वाली चीज़ है, इसको रोकेंगे। सो अगर आप एक वेट लॉस डाइट पे हो और लंबे समय से और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, इट मीन्स आपको डाइट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। सो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? नंबर 1, आप वेट लॉस डाइट से हट के थोड़ी सी हाई कैलोरीज की डाइट पे आएंगे, विच मीन्स आप अपनी बॉडी को डाइट से ब्रेक दो 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए, आपका जो मन है हेल्दी फॉर्म में आप उसको खाओ, घर का बेशक से पूरा भरपूर खाना खाओ, शाही पनीर, मिस्सी रोटी, मखनी दाल, आपका बिरयानी, दही, जो आपको खाने का मन है आप खाओ, तीनों टाइम आप फुल फ्लेश्ड खाना खाओ, वेट गेन होगा हार्डली 1 से 2 किलो, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से वेट बाउंस बैक हो जाएगा, नो, डिपेंड करता है आप किस वाली डाइट से, किस तरीके की डाइट से वेट लॉस कर रहे हो। अनदर पार्ट इज आप थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस दो, जितने भी टाइप के वाटर आप ले रहे हो, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, तेज पत्ता वाटर,
वाटर या फिर आपका डिटॉक्स वाटर, सारे टाइप के पानी जो है आप वो बंद कर दो. एनी टाइप ऑफ ग्रीन टी, रोज पेटल टी, लेमन ग्रास टी, सब उसको बंद कर दो. 10 दिन के लिए आप अपनी बॉडी को ब्रेक दो, उसके बाद आप डाइट चालू करोगे. वो भी क्या डाइट चालू करोगे वो मैं इस वीडियो में अब आपको बताऊंगी. सो पॉइंट इज कि जब भी वेट स्टक है, आपने अपनी बॉडी को ब्रेक दे दिया डाइट से, उसके बाद जब हम डाइट चालू करते हैं तब हम आपको सिमिलर डाइट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे 1 वीक के लिए और उसके बाद जाके हम अपने वेट लॉस के डाइट पे आएंगे. सो जो 1 वीक का डाइट है जिसमें आपका स्टक वेट है वो बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस हो जाए, गिरना चालू हो जाए, बॉडी को झटका मिल चुका है हाई कैलोरीज से, अब उसके बाद आती है वेट लॉस का डाइट, स्पेशली वेट स्टक का डाइट. सो इस डाइट को करने के लिए मेक श्योर सबसे पहले आप 1 वीक का गैप लेंगे अपने वेट लॉस के डाइट से, उसके बाद जाके ही ये डाइट जो है वो आप स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली चीज़, इस डाइट में किसी भी टाइप का वाटर नहीं लेंगे, ना मॉर्निंग ड्रिंक, ना आपका इवनिंग ड्रिंक, ना नाइट ड्रिंक, ना ही कोई डिटॉक्स वाटर, जस्ट प्लेन नॉर्मल वाटर. ब्रेकफास्ट, मिड ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैकिंग एंड अ डिनर. सो स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग ड्रिंक से. मॉर्निंग ड्रिंक में जस्ट हैव 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर, कुछ भी उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लेना. अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास 3 चपातीज हैं, 3 स्टफ रोटीज हैं, वो बनानी कैसे हैं चलते हैं किचन में. ओके, सो फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं मेथी का स्टफ रोटी. सो ये रहा मेरे पास गेहूँ का आटा. नेक्स्ट ये है मेरे पास बेसन का आटा. ओके, सो फर्स्ट इज मेरे पास गेहूं एंड मैंने ये बेसन ऐड कर लिया है. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी यहाँ पर हल्दी पाउडर. नेक्स्ट पिंच ऑफ अजवाइन, कस्तूरी मेथी, पिंच ऑफ हिंग पाउडर और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरी वॉश की हुई और चॉप की हुई मेथी. 1 मुट्ठी जितनी मेथी जो है मैंने इसके अंदर डाल दी है 2 चपाती के लिए. अब ये रहा पानी. ओके, सो हियर वी गो, इट्स रेडी. तो ये रही चपाती और इसको हम 1 टाइम में 2 चपाती कंज्यूम कर सकते हैं विद ग्रीन चटनी एंड चाय. ओके जी, सो नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट रोटी. उसके लिए यहाँ पे ये है मेरे पास बीटरूट, इसके आधा बीटरूट मैंने लिया है, 1/2 कप वाटर. इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी थोड़े से मेरे मसाले. सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मेरा सॉल्ट. नेक्स्ट मुझे इसमें डालना है मेरा भुना हुआ जीरा पाउडर. नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, दैट्स इट. अब इसको हम करेंगे ब्लेंड. ओके, सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हीट फ्लावर. नेक्स्ट इज बेसन. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी पिंच ऑफ अजवाइन एंड अ कस्तूरी मेथी मेरी. ओके, नेक्स्ट अब जो हम आटा गूंदेंगे वो हम बीटरूट के पानी से गूंदेंगे. ओके, सो हियर वी गो. Here is the chapati and it's ready. Okay. So one time we can consume 2 chapatis. Okay. So यहाँ पे next हम बनाने जा रहे हैं पालक. पालक की stuff रोटी. So ये रहा मेरे पास पालक. इसके अंदर मैं डाल दूंगी बिल्कुल हल्का सा पानी क्योंकि पालक के अंदर water content बहुत ज़्यादा होता है. Next is इसके अंदर मैं डाल दूंगी pinch of salt.
ऑलरेडी लीफी वेजिटेबल है सो नमक ज़्यादा ही है. नेक्स्ट है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ हिंग पाउडर. इसको अब हम करेंगे ब्लेंड. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा गेहूं का आटा, बेसन, पिंच ऑफ अजवाइन. ये हम बना रहे हैं एक या दो फुलके के लिए. सो हियर वी गो. Ready. And हम one time में two consume कर सकते हैं. Welcome back जी. बात करते हैं mid breakfast की. Mid breakfast के अंदर मैं आपको देना चाहूंगी एक आंवले का मुरब्बा या फिर कोई भी एक seasonal fruit या फिर उसके अलावा handful of भुना चना. बात करते हैं लंच की. लंच के अंदर मैं यहाँ पे बोलूँगी आपको सिर्फ और सिर्फ कोकोनट स्मूदी लो. बहुत सारे लोग हैं जिनको कोकोनट अच्छा नहीं लगता, बट प्लीज़ अच्छा लगवाओ, क्योंकि जिस तरीके से आप मैगी ठोक के खाने का दम रखते हो, बाकी चीज़ें खाने का दम रखते हो, कोकोनट खाओ. सो कोकोनट स्मूदीज ये रही मेरे चैनल पे. इनमें से कोई भी एक स्मूदी आप पिक कर सकते हो 1 week के लिए लंच में और आप इसको ले सकते हो. इवनिंग स्नैकिंग की हम बात करते हैं. इवनिंग की स्नैकिंग में हमें क्या क्या चाहिए. इवनिंग के टाइम पे भी आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेंगे जो भी मार्केट में इस समय मिल रहा है उसको पिक करिए. कोई भी ड्रिंक मत लेना, जस्ट अ नॉर्मल वाटर. कुछ भी ड्रिंक लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है. ना ना नथिंग, ये जस्ट 1 week का डाइट है. उसके बाद बात करते हैं हम डिनर की. डिनर के अंदर आप लेंगे सूप. वेराइटीज़ ऑफ सूप की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं. टमाटो सूप, पम्पकिन सूप, ब्रोकली सूप, कोकोनट एंड एप्पल सूप. इन सूप्स के साथ अगर आप एग्स ले सकते हो, 2 अंडों का वाइट पार्ट या फिर 50 ग्राम्स ऑफ टोफू पनीर को सौते करके आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे रात को डिनर के समय. ये बहुत ही सिंपल सा डाइट है, इसके अंदर कुछ भी तामझाम नहीं करना. पॉइंट इस कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा झटका मिलेगा, थोड़ी सी कैलरीज का इंटेक नीचे जाएगा, हाई कैलरी जाती है नीचे गिरेगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी और तब जाके वेट जो है वो गिरना चालू होगा. जब भी हम किसी भी चीज़ को लेके यूज टू हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेके बिल्कुल अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करा लेते हैं या जर्नली हम भी, तो हम बड़े कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं. और हमें अगर कुछ अचीव करना है तो हमें डिसकम्फर्ट जोन, मतलब कि अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So yeah, that's all about this video guys. I hope this video is useful for you. और जिन जिन लोगों का वेट स्टक है, इस प्रॉपर डाइट से 1 week के अंदर यू कैन ईजिली लूज 2 to 2.5 kgs बहुत ही आराम से, जिन जिन लोगों का वेट स्टक है. उसके बाद अपना ही जर्नल डाइट पे आएंगे, वेट लॉस के डाइट पे जो आपका चल रहा है, जिसके अंदर प्रोटीन मेक श्योर आप अच्छे से लेंगे, कार्ब्स अच्छे से लेंगे एंड फाइबर भी बहुत अच्छे से जाना चाहिए. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. सो टेक केयर जी, बाय बाय.